नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, आज हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारी तरफ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं, बहुत सारे बधाइयां आप लोगों को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फिश के बारे में जिसका नाम है रेनबो शार्क। ठीक है, ये रेनबो शार्क के बारे में आज कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है उसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो वहाँ पे एक ऑल का ऊपर ऑप्शन आएगा, ऑल आप क्लिक कर दीजिए तो हमारे जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास वो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेनबो शार्क है इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं लोग, जैसे कि आपका रेड फिन शार्क भी बोलते हैं, रेड शार्क भी बोलते हैं, रूबी शार्क भी कुछ लोग बोलते हैं, और अल्बिनो भी इसको बोलते हैं। दोस्तों, ये फिश को रखने के लिए आपका जो एक्वेरियम का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मतलब आप पहले से आपके पास एक्वेरियम है या आप अभी एक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो बिगनर है मतलब अभी जो एक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी वो भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो केयरिंग लेवल होती है ये बहुत ईजी होती है, तो इसको आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये जो फिश है ये साइज में कितना बड़ा तो हो सकता है, तो मैं बता दूं ये 6 इंच तक बड़े होते हैं, जैसे कि नॉर्मल आपका 15 इंच 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है उतना बड़ा ये फिश होते हैं। ठीक है, जो अभी यहाँ पे मेरे पास जो अभी वीडियो में देख रहे हैं ये करीबन आपका 2 से 3 इंच का ये जो फिश है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका टैंक जो आप मतलब सेटअप करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे चीजें हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिश है ये थोड़ा लंबा फिश रहती है। ठीक है, तो आपका गोल एक्वेरियम मतलब टैंक होगा तो इनको जो मतलब मूवमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप स्क्वायर टैंक ले सकते हैं या तो रेक्टेंगल का जो टैंक आता है उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका एक्वेरियम में जो मतलब पानी आप रखेंगे तो वो कितना रखेंगे, तो बता दूं दोस्तों 55 गैलन जो है पानी आपका होना चाहिए। हमारा 1 US गैलन पानी जो होती है वो 3.78 लीटर के आसपास होता है, तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो अप्रोक्स आपको बता दूं 200 लीटर से ज़्यादा ही पानी आपको रखना पड़ेगा। और आप टैंक का जो साइज है आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल या तो आपका जो है स्क्वायर में आप रख सकते हैं। और एक बात दोस्तों, आप मतलब एक्वेरियम जो चूज कर रहे हैं किसी भी टाइप का, तो आपको एक्वेरियम में जो आप पानी डालते हैं तो आपको क्या करना है, कभी भी जो पानी है ना वो पूरा टॉप तक भरना नहीं है। आपको पानी जो है, जैसे आपका हाइट 60 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो उसमें क्या 45 से 50 सेंटीमीटर तक आप पानी भर दीजिए और 10 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो और आप बात करते हैं जो टेम्परेचर, आप जो पानी आप मतलब भर रहे हैं एक्वेरियम में और उस पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों बता दूं आपको, पानी का जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो पानी आप मतलब टेम्परेचर सेट करने के बाद, उसमें और एक चीज जो चेक करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपका पानी का पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 6.5 से लेकर 7.5 तक आपका पीएच वैल्यू होना चाहिए। दोस्तों, ये जो फिश है इसको आप फूड कैसे देंगे, तो बता दूं जो नॉर्मल आपका पैलेट्स फूड मिलती है मार्केट में उसको आप लाके दे सकते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों, पूरी डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कुछ चीज़ें को कवर करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।